तो सैन्य मामलों के मामले में, हथियारों के मामले में भले ही रूस का पलड़ा भारी हो, लेकिन यूक्रेन अपने जोश के बल पर इस महायुद्ध का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर पूरे यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मचा हुआ है। लेकिन इस वक्त रूस की सेना जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका जवाब यूक्रेन की सेना दे रही है। यहां तक कि आम लोग भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नाटो और अमेरिका रूस को सख्त चेतावनी देते हुए यह कह रहा है कि रूस को अपनी सेना वापस बुलानी होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही इस युद्ध का हल हो सकता है। जिस तरीके से नुकसान यूक्रेन में हो रहा है, आम लोगों की जान जा रही है, उसके बाद अब हर एक देश की यह चिंता बन चुकी है। और इस पूरे युद्ध को गंभीरता से लेते हुए हर एक देश यही कह रहा है कि रूस को इस महायुद्ध पर विराम लगाना होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को हथियार देगा पुर्तगाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सैनिकों को देगा भारी हथियार। अलग अलग देश जो कि यूक्रेन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब पुर्तगाल हथियार देने की बात कह रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को हथियार देगा पुर्तगाल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। हथियार देने की पेशकश पुर्तगाल की तरफ से की गई है कि यूक्रेन की सेना को हम हथियार मुहैया करवाएंगे इस युद्ध में। आज इस युद्ध का चौथा दिन है और ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से जंग लगातार जारी है, उसमें अब अलग अलग देश हथियारों की सप्लाई की पेशकश करते हुए नजर आ रहे हैं, आर्थिक तौर पर मदद करने की पेशकश कर रहे हैं। यहां तक कि कई देशों ने अब रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कि सीधे तौर पर रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े हमले वहां पर किए जा रहे हैं। हर एक सेकेंड में कोई ना कोई मिसाइल दागी जा रही है रूस की तरफ से, जिसका पुरजोर तरीके से जवाब भी यूक्रेन दे रहा है। लेकिन अब पुर्तगाल मदद की पेशकश करता हुआ यूक्रेन की सेना को कि हथियार हम मुहैया करवाएंगे। पुतिन जो कि लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की जो कि पूरे जोश के साथ इस महायुद्ध का सामना कर रहे हैं। हालांकि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, सबकी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आखिर कब तक लोगों की जान यूं ही चलती रहेगी। दोनों देशों की सेना के बीच में ये युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध का खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है वहां के आम लोग, आम जन, जिनकी मौत हो रही है। ऐसे में अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हैं।